साथियों, उत्तराखंड भारत की एक सुंदर परिभाषा जैसा है। यहां गंगा है, यमुना है, भागीरथी से संगम को आतुर अलकनंदा है, तो पांच महान प्रयाग है और बद्री केदार मिलाए तो चार धाम बनते हैं। मैं इनमें एक पांचवा धाम जोड़ता हूं, सैनिक धाम। ये देवभूमि, यहां इंडियन मिलिट्री अकादमी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के केंद्र भी इसी धरती पे है। ये सभी मां भारती की रक्षक भुजाएं हैं। यहां हर दूसरा घर सैनिक का है। इस सैनिक धाम उत्तराखंड को मेरा कोटि कोटि नमन। भाइयों बहनों, आज जब मैं सैनिक धाम में आया हूं तो आपसे कुछ गंभीर सवाल पूछने का मन कर रहा है। पूछू क्या? जोरों से जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था? सही था? सही था? जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो फिर हमारे वीर जवानों पर इस प्रकार के सवाल करना ठीक था क्या? ठीक था क्या? क्या हमारे सेना अध्यक्ष को गाली देना सही था क्या? क्या हमारे वायुसेना के अध्यक्ष को झूठ कहना उचित था क्या? भाइयों बहनों, पाकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में भारत विरोधी बयान देना क्या देश की जनता माफ करेगी? माफ करोगे? आपको इन सवालों के सही जवाब पता है। देश को इन सवालों के सही जवाब पता है, लेकिन कांग्रेस के नामदारों के राग दरबारी कहते हैं कि ऐसी बातें मोदी को नहीं करनी चाहिए, मोदी को बालाकोट की एयर स्ट्राइक की बात नहीं करनी चाहिए, मोदी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए, मोदी को देश की रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। क्या मोदी चुपचाप बैठ जाए क्या? क्या आतंकियों की धमकी से मोदी डर जाए क्या? साथियों, डरने वाले संस्कार आपके इस चौकीदार में नहीं है। कान खोल करके सुन ले, देश के दुश्मन भी सुन ले, हमारे विरोधी भी सुन ले, हम डरने वाले नहीं,
बल्कि डटने वाले हैं। यही संस्कार उत्तराखंड की मिट्टी के हैं, यही संस्कार मां भारती ने हमें दिए हैं। डरने और झुकने का काम तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के नामदारों का है। ये वो लोग हैं जिनका खून तब भी नहीं खोला जब देश के बीचों बीच भरी आबादी में आतंकी देश के लोगों का, वीर जवानों का खून बहा रहे थे। साथियों, देश की सेना हथियार मांगती थी, आधुनिक तोप मांगती थी, लड़ाकू विमान मांगती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी, रात में देखने के लिए कैमरे मांगती थी, वन रैंक वन पेंशन मांगती थी और जवानों के सिर काटने वालों से बदला लेने की इजाजत मांगती थी। लेकिन मिलता था क्या? मिलता था क्या? सरकार सोई पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? सेना अध्यक्ष पर ही मुकदमा कर दिया और यह अफवाह फैला दी कि सेना सरकार का तख्ता पलट करने वाली है। हथियारों और जहाजों के सौदों पर दलाल, मामा भांजे भारी पड़ गए, सौदे 10 साल तक फंसे रहे। साथियों, हमारे पास जो अत्याधुनिक विमान आज है, उनको खरीदने की प्रक्रिया 80 के दशक में शुरू हुई थी। उसके बाद अटल जी की सरकार ने राफेल जहाज खरीदने की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस 10 वर्षों तक उस सौदे पर बैठी रही। क्यों? क्यों? क्योंकि मलाई नहीं मिल रही थी। मलाई कैसे निकाले, किस रास्ते से निकाले, किसकी की मदद से निकाले, इसी सोच में 10 साल बीत गए। हमारी सरकार ने वायुसेना की जरूरत को देखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया और अगले कुछ महीने में ही राफेल हमारी सैन्य ताकत को मजबूत करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि नए और आधुनिक हेलीकॉप्टर सेना को मिल रहे हैं। जब इनकी सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदने का काम किया तो उसमें भी घोटाला कर दिया और इसकी जांच चल रही है। मिशेल मामा कोर्ट में राज उगल रहा है और इनका पसीना छूट रहा है। बॉफोर्स के साथ क्या हुआ था ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आज दशकों बाद भारत को देश में ही बनी आधुनिक तोपें मिल रही है, अत्याधुनिक राइफल्स हमारे जवानों को मिलनी तय हुई है, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जा रहे हैं। ये सारा सामान सेना कांग्रेस की सरकार से मांग रही थी, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की, क्योंकि ध्यान सुरक्षा के बजाय मलाई खाने पर लगा हुआ था।